आइए बच्चे तो जानते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में पिछले 10 साल से किन हिस्सों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार इस चैप्टर का वेटेज नियरली 6 मार्क्स का है और इस वीडियो में मैंने अल्कोहल फिनॉल कवर किया है। चलिए देखते हैं, एक फ्लो चार्ट फट से बना लीजिए। अल्कोहल की प्रिपरेशन से शुरू करते हैं। अल्कीन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अल्कीन से कैरी आउट किया जाता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मैकेनिज्म के साथ पहला वाला रिएक्शन करना है। मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से वाटर को ऐड करना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएजेंट इज B2H6 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड अल्कलाइन मीडियम। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है। तीसरा मेथड प्रिपरेशन का कार्बोनिल के साथ। कार्बोनिल के रिडक्शन कर सकते हो या फिर आप उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनिश। फिनॉल की बात करते हैं, हैलोअरीन या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डाइजोनियम सॉल्ट और क्यूमीन, क्यूमीन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं बेटा। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को आपको डिफाइन करना है। अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के अटैच होने से उसके एसिडिक ग्रुप पे क्या असर पड़ता है। एसिडिफिकेशन रिएक्शन आना चाहिए। रिमेटिमन कोल बे जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे जनरेट होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में HX के साथ रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4 मैकेनिज्म के साथ अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। प्लीज मेक श्योर टू वॉच द वीडियो दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।